रायपुर की ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। 12 से 16 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। छत्तीसगढ़ में ऑटो सिग्नल के काम की वजह से ट्रेनें प्रभावित होंगी। 8 एक्सप्रेस ट्रेन तो वहीं 13 पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर बेहद काम की है, आपके काम की खबर है। 12 से 16 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। इसमें 8 एक्सप्रेस ट्रेन है और 13 पैसेंजर ट्रेन है जो रद्द रहेंगी। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए ये जरूरी खबर है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ रायपुर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खासकर बिलासपुर से कई ट्रेनें रद्द हो रही है और एक बार फिर से इसी कड़ी में ये फैसला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक बड़ा रेल लाइन है और देश के मध्य में होने की वजह से कई राज्यों के लिए ट्रेन यहां से रवाना होती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अकलतरा नैला जो स्टेशन है उसमें ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाना है और ये काम जो है 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच चलेगा, जिसके कारण उस लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को जो है फिलहाल प्रभावित किया गया है। एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें हैं जिन्हें प्रभावित किया गया है और कुछ बड़े रूट की ट्रेनें भी हैं, जैसे कि टाटा नगर के लिए ट्रेन है, गोदिया झारसुगड़ा के लिए ट्रेन है, इसके सहित ही कई ऐसी ट्रेन है जो प्रभावित रहती हुई नजर आने वाली है। पैसेंजर ट्रेनों को भी प्रभावित किया गया है, जो कोरबा से लेकर इधर रायपुर या फिर गोंदिया तरफ जाती है वो तमाम ट्रेनों को प्रभावित किया गया। तो निश्चित तौर पर इससे यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। वहीं रेलवे विभाग का दावा है कि लगातार इस पर काम किए जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के रेल लाइन को बेहतर बनाया जा सके। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो देश के तुलना पे रेल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं कम है और उसी रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी कई काम चलेंगे। तो दिक्कतें हो रही हैं लेकिन दावा है कि ये काम जब पूरे हो जाएंगे, जो ट्रैक का मेंटेनेंस का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा, ऑटो सिग्नलिंग को अपडेट कर दिया जाएगा, तो उससे बाद निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। फिलहाल तो यात्री परेशान हो रहे हैं और बस या फिर दूसरे माध्यमों से अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, करीब 8 एक्सप्रेस ट्रेन है जो रद्द हो रही है और इसके साथ ही 13 पैसेंजर ट्रेन है जो 12 जुलाई से रद्द रहेंगे।